होगा कि मैंने इससे पहले आपको बिगिनर्स एक्सरसाइजेस दी थी 10, वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है किसी एज ग्रुप में। तो उसी की एडवांस एक्सरसाइज के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। पहले आपने वो देख लिया होगा तो इनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये उससे एडवांस है, उनकी नेक्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं। पहले उन्हें करें, साथ में इनको अपनाएंगे तो आपकी डबल एक्सरसाइज हो जाएगी और आपकी बॉडी डबल वार्म अप हो जाएगी। यानी कि गर्म हार्ट के लिए और दूसरी एक्सरसाइजेस आसन ही फिजिकल आसन या उनकी एडवांस स्टेज करने से पहले ही एक्सरसाइज को किया जाए तो बॉडी पूरी गर्म होगी और आपको उनको करने में आसानी होगी और आपको बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं बैठेगा यदि आप खुद आसन लगाते हैं। तो ये उनकी एडवांस है और उनसे थोड़ा सा ज्यादा कह दीजिए, पर ये भी सभी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं, बच्चे हो, बड़े हो या बीच की एज के किसी की एज में कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा जो कहते हैं कि वेट को ठीक रखने के लिए, वेट को जो आपका वेट है उसमें रखे रहने के लिए ये वर्कआउट जरूरी है आपका, और आपकी एक्सर्शन को कम करने के लिए और आपको दूसरे एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, दूसरे आसनों के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इन्हें आप सूक्ष्म क्रियाएं भी कह सकते हैं। पहले जो क्रिया थी वो 10 बिल्कुल ही सूक्ष्म थी, थोड़ी सी उससे आगे जाता है। कीजिए, आपको जरूर मजा आएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए तो आपकी रिदम टिप देती हूँ वो लास्ट में देती हूँ, तो उसको देखने पूरी वीडियो शुरू से। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हांजी, सीधे खड़े हो जाइए ऐसे ही बीच में और 1, 2, 3, 4 इतना पैर पीछे लेके जाएंगे। अच्छा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 change। बीच में गैप कितनी है? 15 seconds का? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने हाथ पीछे जाएंगे उतना अच्छा। 5 seconds का गैप। यस, बीच में गैप ऐसे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो गैप। सेकेंड साइड इसकी, यानी कि दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज। 5 seconds का गैप। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yes, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 change. Yes, अब दोनों पैर से
5 seconds का okay? Yes, change. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change, दूसरा पैर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax and take a deep breath in, take a deep breath out. पैरों को थोड़ा सा वाइड कर लीजिए और लंबा और गहरा सांस लीजिए. Yes. How are you feeling? कैसा फील कर रहे हैं? Energetic, active. साथ में दूसरे आसनों के लिए वार्मिंग और साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है. इसे वर्कआउट भी कह सकते हैं. आपको वेट को कम करना हो तो भी, और आपको अपना वेट को जैसा है वैसे रखने के लिए भी ये आपकी हेल्प करेगा. आपको ज्यादा आसनों में डीप नहीं जाना तो आप सिर्फ वो पहले वाली 10 बिगिनर एक्सरसाइज साथ में ये एडवांस वाली करिए, आपके लिए बहुत है. यानी कि 20 मिनट्स का आपका ये वर्कआउट हो गया. 10 मिनट्स वे 10 मिनट्स के. अब आपके स्टेप्स की बारी आती है. कैसे आप स्टेप्स ले, यानी का हर एज ग्रुप में कर सकते हैं. हाँ जी, बच्चे बड़े कर सकते हैं. और इसके स्टेप्स इससे करेंगे, पहले वीक आप 10-10 स्टेप्स करें और दूसरे वीक आप उसको 20-20 पे ले जाइए. थर्ड वीक आप उसको 30 पे ले जा सकते हैं. फिर आप मैक्सिमम 50-50 राउंड्स करें. हर वीक बढ़ाते जाइए और आपको लगता है कि उसी में आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा फील होता है. यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके स्टेप्स बढ़ाते जाइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा. और दूसरी बात है, इसमें आप पेशेंट भी कर सकते हैं क्योंकि खास मूवमेंट इसमें नहीं है. यानी कि पेशेंट एंड सीनियर सिटीजन भी इसको कर सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं. म्यूजिक के साथ करें, ज्यादा बेटर रहेगा. आप रिलैक्स भी करेंगे, आपका बॉडी और माइंड फ्रेश भी होगा. आपको मैंने ये बता दिया. और अब रही आपके लिए आपका योगा का टिप. तो जब भी आप ये करें तो आप जी, तो आज का हमारा योगा का टिप है कि आप योगा का क्रम कैसे रखें. तो आप पहले ये 10 बिगिनर वाली एक्सरसाइज और 10 एडवांस कर लें तो आपके लिए टोटल अपना वेट नॉर्मल रखने के लिए, यानी कि जैसा आप चाहते हैं और आपका वेट वही है, तो आप उन दोनों को ही अपना लीजिए. बहुत है ये वीडियो से संबंधित टिप हुआ. और यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे